पढ़ने से पहले थोड़ा माहौल बनाता हूँ। क्या गुण है मेरी कविता में वह सब तुमको समझाता हूँ। हाई ब्लड प्रेशर पर करती सीधे प्रहार मेरी कविता, मनहूसी की चादर को करती तार तार मेरी कविता, या सावन की पुरवैया है तन मन शीतल कर देती है, या सावन की पुरवैया है तन मन शीतल कर देती है, घुसती है कानों में जाकर दिल में हलचल कर देती है, मन भरे न खाते रहो दशहरी आम हमारी कविता है, घर का सिरदर्द मिटाती झंडू बाम हमारी कविता है, आदेश मिले आदेश मिले तो छंद गीत व मुक्तक गढ़ना शुरू करें, तालियां बजाएं आप लोग हम कविता पढ़ना शुरू करें, बहुत बढ़िया, तालियां बजाएं आप लोग हम कविता पढ़ना शुरू करें। वास्तव में तालियां बजाने में हर कवि कहता है तालियां बजाइए, इसमें सिर्फ कवि का ही फायदा नहीं होता है, इसमें आप लोगों का भी बराबर का फायदा है, क्योंकि भगवान ने हर चीज का कोटा निश्चित कर रखा है, जितनी सांसें आपको लेनी है उतनी लेनी पड़ेंगी, वैसे जितनी तालियां आपको बजानी है उतनी बजानी पड़ेंगी, अगर वो कोटा यही पूरा कर लेंगे इसी जन्म में पूरा कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा, और अगला जन्म सिर्फ तालियां बजाने के लिए लेना पड़ेगा, और फिर घर घर जाकर के तालियां बजानी पड़ेंगी, इसलिए वो कोटा आज यही पूरा करके जाइए, आज ही पूरा करके जाइए, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए, जोरदार तालियां बजाइए, मैं प्रारंभ होता हूँ। जी स्वागत है, स्वागत है। तालियां मैं इसलिए भी बजवा लेता हूँ, अभी घर जाऊंगा तो पत्नी पूछेगी वहां गोला में जमे कि नहीं जमे, अच्छा हम कितना भी कहें जमे लेकिन नहीं मानती है, कहती जब कविता पढ़ने के लिए खड़े हो तो मोबाइल हमारे नंबर पे लगा करके और उसके बाद बैठना, अभी मैं नंबर पे उसे कॉल करके आया हूँ, आपकी तालियां घर तक सुनाई पड़े ऐसा मेरा विचार है, तालियां कमजोर होती है हमारे पांव कांपने लगते हैं, तीन चार मंचों में मैं बेहोश हो चुका हूँ, आपके इस गोला के मंच से वन पीस वापस चला जाऊं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, एक बार ऊर्जा दीजिए मैं प्रारंभ होता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। सुनिएगा, बहुत जल्दी 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 प्रारंभ करता हूँ कि एक कुत्ता दुबई से इंडिया में आया बोला, एक कुत्ता दुबई से इंडिया में आया बोला, जैसी भव्य शादी इंडिया में है कहीं नहीं। एक चूंकि पत्रकार बैठे हुए हैं इसलिए मैं विशेष रूप से छंद पढ़ता हूँ कि एक कुत्ता दुबई से इंडिया में आया बोला, जैसी भव्य शादी इंडिया में है कहीं नहीं, और मैंने पूरा देश घूम लिया और देख लिया, जितनी आबादी इंडिया में है कहीं नहीं नहीं। और बाबा नेता मुल्ला और पादरी भिखारियों की जितनी ज्यादा चांदी इंडिया में है कहीं नहीं, और मैं यहीं रहूंगा, दुबई का कुत्ता कहता है इंडिया में कि मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि मैंने देखा भौंकने की जितनी आजादी इंडिया में है कहीं नहीं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारे यहाँ विदेशी आते रहते हैं, बहुत बहुत आवाज होगा, हमारे यहाँ विदेशी आते रहते हैं, अभी एक अंग्रेज हिंदुस्तान में घूमने आया, उसने सोचा लाओ देखें इंडिया को जैसा छोड़ के आया तो 47 वैसा है कि कुछ बदलाव हुआ है, तो जो यहाँ आया तो उसको कुत्तों ने घेर लिया, मच्छरों ने घेर लिया, तो भाग करके अपने कमरे में घुस गया, कमरे की कुंडी अंदर से लगा ली, मैंने उसके बंद कमरे से चार पंक्तियां निकाली, पंक्तियां सुनिएगा कि एक अंग्रेज आया भारत भ्रमण पर, एक अंग्रेज आया भारत भ्रमण पर, मच्छरों की फौज देख के वो घबरा गया, और कमरे की बत्ती को बुझाया और लेट गया, सोचा सारी परेशानियों से मुक्ति पा गया, कि तभी एक जुगनू ने आके किया दुप दुप, तभी एक जुगनू उसके कमरे में, तभी एक जुगनू ने आके किया दुप दुप, या देख उसका दिमाग चकरा गया, और बोला इंडिया का मच्छर कितना है होशियार, अंधियारा देखा साला टार्च लेके आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। आप लोग देख रहे होंगे मेरी एज, मेरी उम्र 60+ है जी, लेकिन आप लोगों को लग नहीं रहा होगा मैं बूढ़ा क्यों नहीं हो रहा हूँ
एक मंत्र देता हूँ, पातिराम जी सुनिएगा, अगर प्रयोग कर लेंगे तो आप भी 10 साल पीछे चले जाएंगे। जी जी सुनिएगा, मैं मुझ पर बुढ़ापे का असर क्यों नहीं हो रहा है जी। कि जिंदगी में चढ़ता ही रहा सीढ़ियां सदा, हाँ। इन जिन विषयों पर किसी ने नहीं लिखा उन पर मैंने लिखने का प्रयास किया है। एक कवि ने लिखने का प्रयास किया था दुर्गेश भैया, लेकिन मर गया। और जब से मैंने लिखा है इन विषयों पर तबीयत मेरी भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है। सुनिएगा, बहुत अच्छे, जिंदगी में चढ़ता ही रहा सीढ़ियां सदा, प्रमोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। जिंदगी में चढ़ता ही रहा सीढ़ियां सदा, प्रमोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। प्यार दिया प्यार लिया, खुशियां हजार दी, इमोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, कि प्यार दिया खुशियां हजार दी, इमोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। और डाबर च्यवन प्रास, पातिराम जी सुनिएगा, डाबर च्यवन प्रास शुद्ध शिला जीत, बाडी लोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। और सबसे प्रमुख और गुप्त बात, सुंदर पड़ोसनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छे। एक छंद और पढ़ता हूँ, अभी अभी हमारे बहुत गहराई, अभी हमारे बेटे की शादी वाले आए पातिराम जी, तो हमारे समधी ने पूछा कि प्रधान जी आपकी कोई डिमांड तो नहीं है? तो मैंने कहा देखिए मेरी कोई डिमांड नहीं है, फिर भी मैं बताए देता हूँ, आप लोगों के घर में शादी वाले आए बेटे की, तो आप लोग यही डिमांड रखिएगा। मैंने कहा कि रूप रंग होगा थोड़ा 19 चलेगा, रूप रंग होगा थोड़ा 19 चलेगा, पर बालिका सुशील गुणवान होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, रूप रंग होगा थोड़ा 19 चलेगा, पर बालिका सुशील गुणवान होनी चाहिए। और घर में हो यदि कुछ कम तो भी खा ले गम, होठों पे हमेशा मुस्कान होनी चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और तालियां आप लोग फिर गलत जगह पे बजा रहे हैं, तालियां बजाने वाली पंक्तियां आगे आने जा रही हैं कि बालिका सुशील गुणवान होनी चाहिए, घर में हो यदि कुछ कम तो भी खा ले गम, होठों पे हमेशा मुस्कान होनी चाहिए। और मैंने समधी से कहा मेरा यह मानना है बहु बेटियों के ही समान होनी चाहिए, बहु बेटियों के ही समान होनी चाहिए। और धन वन की नहीं है कोई भी डिमांड, पर समधन टंचवा जवान होनी चाहिए। अच्छा चलिए चार पंक्तियां देखिए, पत्नियों पर बड़े व्यंग पढ़े जाते हैं, हर हास्य का कवि पत्नियों पर व्यंग करता है। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, आदरणीय आप सुनिएगा और आप लोग इनके सम्मान में तालियां बजाइएगा। सुनिएगा, स्वागत है, स्वागत है। मायके से माता जी की सीख है और भाभियों से घर तोड़ ताड़ के जुगाड़ लेके आती है, पत्नी आती है तो क्या क्या लेकर के आती है। मायके से माता जी की सीख है और भाभियों से घर तोड़ ताड़ के जुगाड़ लेके आती है। और थका हारा पति जब शाम को है घर आता, फरमाइशों के वो पहाड़ लेके आती है। वाह। और बात मनवाने हैं तो मारण व मोहन के आंखियों में आंसुओं के बाण लेके आती है। और इस पंक्ति पे तालियां चाहता हूं कि आंखियों में आंसुओं के बाण लेके आती है, किंतु वही पत्नी जब अपनी पे आती तब यम लोक से पति के प्राण लेके आती। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। किंतु वही पत्नी जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, तब यम लोक से पति के प्राण लेके आती है।